निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए जबरदस्त एक डिश लेके आए, मसालादार भैंस दे के चिकन बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, क्या क्या सामान लगेगा, आपका सामने में सब रखा हुआ बता देते। तो ये देखिए, ये हमने एक किलो चिकन लिया है, इसको बढ़िया से हमने साफ करके वॉश कर लिया है। ये एक किलो का हमने लौकी लिया है, इसको छील के हम काट लेंगे। तीन पीस हमने टमाटर लिया है, कुछ हम लिया है 50 ग्राम लगभग धनिया पत्ता, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। चार पीस बड़े साइज का प्याज हमने लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। ये देखिए, गुणा मसाला में हमने लिया पाउडर वाला में, ये धनिया पाउडर हमने एक चम्मच भर के लिया है, जीरा पाउडर हमने हाफ चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर हमने हाफ चम्मच लिया है, गरम मसाला पाउडर हमने एक टीस्पून लिया है, लाल मिर्च एक चम्मच लिया है, गोल मरीच हाफ चम्मच लिया है। मिर्चा आप अपना स्वाद अनुसार सामान का क्वांटिटी का हिसाब से मसाला और सब चीज़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तीन चम्मच हमने भर के लिया है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट हमने दो चम्मच लिया है, कुछ हमने खड़ा मसाला में लिया है, जैसे कि चार पीस हमने सूखा मिर्चा लिया, चार पीस हमने तेज पत्ता लिया, एक काला इलायची लिया, चार पीस हमने सादा गोलकी लिया है, चार पीस हमने काला गोलकी लिया है, चार पीस हमने लौंग लिया है, दो पीस हमने इलायची लिया है, चार टुकड़ा हमने दालचीनी लिया है, सूखा मिर्चा में से भी हमने चार पीस लिया है। तो ये खड़ा मसाला में से हो गया। अब चलिए पहले हम लौकी काट लेते हैं, उसका बाद आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, लौकी हमने कुछ इस तरीके से काट लिया है, ये साइज का ऐसे ही पीस कर लीजिएगा। टमाटर हमने ये साइज का कुछ पीस कर लिया है। अब चलिए चूल्हा का तरफ। ये चूल्हा में हमने पहले से प्रेशर कुकर बैठा दिया है, चूल्हा हमारा ऑन है, हाई फ्लेम में ही है। अब क्या करेंगे, ये लौकी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें हम हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे, पानी हम एकदम नहीं देंगे। अब इसका हम सीटी लगा देंगे ढक्कन लगा के हम तीन सीटी इसको लगवाएंगे। और इधर देखिए, ये भी हमने कढ़ाई ले लिया है, चूल्हा में बैठा दिया, हाई फ्लेम में है। तेल हम 200 ग्राम दिए हैं, सरसों है। अब ये गरम जब तक हो रहा, हम बाकी इसका सामान रेडी करते हैं। तो ये देखिए, तेल हमारा गरम हो गया है, हमने जो खड़ा मसाला दिखाया था वो ऐड कर देंगे इसी में। और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, ये फ्राई हो गया है। अब क्या करेंगे, प्याज इसमें ऐड कर देंगे। ये प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तीन सीटी अब होने जा रहा है, हम बंद कर देंगे। अब तीन सीटी हो गया, अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे जब तक ये भाप नहीं निकल जाए। तब तक हम हमारा जो प्याज है, ये देखिए कुछ इस टाइप का होके आ गया है, इसको हम ब्राउन कलर जब तक नहीं होके आ रहा तब तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ऐड कर देंगे इसमें चिकन, चिकन के ऊपर में हाफ चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें हम फ्राई करेंगे प्रतिदिन एक से डेढ़ मिनट। देखिए, ये हम डेढ़ मिनट फ्राई किए हैं, इस टाइप का होगा, पूरा पानी सोख गया है। अब क्या करेंगे, इसमें लहसुन का पेस्ट एक चम्मच हम देंगे और इसको बढ़िया से इसी में हाफ मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए, हाफ मिनट हो गया है। अब क्या करेंगे, जितना हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम मसाला छोड़ के बाकी हम सारा मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। सारा मसाला हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब देखे इसको हम भुनेंगे मसाला जब तक हमारा टमाटर भी
फ्राई नहीं हो जा रहा, मसाला मिक्स नहीं हो जा रहा। तकरीबन हम एक मिनट इसी तरीके से इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए एक मिनट हमने फ्राई कर लिया है इसको, बढ़िया से चला चला के ही इसको हम फ्राई किए हैं। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए टमाटर भी हमारा गल के आ गया है। अब जो हमने कुकर में रखा था लौकी, अब इसका ढक्कन हम खोल देंगे। देखिए ठंडा हो गया है। अब हम डायरेक्ट इसको उतारेंगे कढ़ाई में। देखिए पानी आपने छोड़ दिया है, इसमें पानी देने का ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसी में इसको हम दे देंगे। अब इसको हम इसमें चलाएंगे। उसका पहले हम क्या करेंगे, डेढ़ टीस्पून तकरीबन नमक हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हमारा एक चम्मच नमक पूरा ऐड किया हुआ है लौकी में भी और चिकन में भी। खाली मसाला के लिए हम डेढ़ टीस्पून यूज़ किए हैं। तो देखिए इस टाइप का हम इसको चला लेंगे बढ़िया से, क्योंकि अभी चला लेंगे बाद में चलाने से लौकी टूट जाएगा। तो इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। ये देखिए बढ़िया से हम चला लिए हैं। फ्लेम अब हम लो कर देंगे। और इसको हम ढक के पकाएंगे। तो हर एक मिनट पर इसको हम चलाते रहेंगे। अब भी हर एक मिनट पर चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे मसाला जल जाएगा। देखिए एक मिनट हो गया है, फिर हम इसको चला देंगे। देखिए नीचे नहीं पकड़ा है। इसी टाइप का तकरीबन हम तीन मिनट इसमें हम इसी तरीके से पकाएंगे। तो ये देखिए तीन मिनट हो गया है, आप चाहे तो चार मिनट भी रख सकते हैं। हमने तीन मिनट तक इसको हर एक मिनट में चलाया है। तो ये देखिए इस टाइप का हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लास्ट जो हमारा स्टेप बचा हुआ गरम मसाला का पाउडर वो इसमें ऐड कर देंगे। चारों तरफ छूटेंगे। अब इसको हल्का सा हम चला लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो धनिया पत्ता है ये धनिया पत्ता भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसको भी हम हल्का सा चला लेंगे। इसे ही ग्रेवी होगा हमारा लौकी चिकन जो हमने बनाया था, लौकी देके चिकन। इसी टाइप का ग्रेवी होगा, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा। तो ये देखिए लौकी भी हमारा है अभी गोटा गोटा। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसका हम ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम हम बंद कर देंगे। पहले हम ढक्कन लगाएंगे, उसका बाद फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, उसका बाद इसको हम एक मिनट इसी तरीका से छोड़ देंगे। तो संग संग भी खा सकते हैं, पर हम एक मिनट बाद निकालेंगे। तो ये देखिए एक मिनट हो गया है, अब इसका हम ढक्कन खोल देंगे। अब उतार के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए लौकी देखे तो चिकन हमारा ग्रेवी बन गया है। तो इसी टाइप का बना के आप खाइए, कितना देखने में जितना सुंदर लग रहा खाने में भी उतना लजीज और उतना स्वादिष्ट होगा। तो आपके लिए हम इतना मेहनत करके बनाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, आप सबको रिक्वेस्ट है। तो जिस तरीका से हमने बना के दिखाया है उसी तरीका से आप भी फॉलो करके बनाइए। एक बार बना के खा के देखिए, उसका बाद बताइएगा जो हाँ ना जवाब डिश बाकी में ही बना है। तो मेरा तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।